हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एडेनियम का एक अलग टॉपिक लेके आया हूँ, जिसके बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि सर, हम क्या एडेनियम की कटिंग गर्मियों में लगा सकते हैं, कटिंग किस तरह लगानी चाहिए। तो उसके बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो उसी के बारे में आज आपको बताऊँगा कि गर्मियों में एडेनियम प्लांट की कटिंग हमें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, और लगानी है तो किस तरह लगानी चाहिए ताकि हमारी कटिंग ख़राब ना हो, एक भी कटिंग फेल ना हो। तो उसी के बारे में जानकारी दूंगा, तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए, ये मेरे सीड से लगे हुए एडेनियम के प्लांट हैं, और ये देखिए इसमें अच्छे से ग्रोथ चल रही है। तो यहाँ पर देखिए, मैं कटिंग लगा के रखता हूँ, दो जगह पे कटिंग लगा के रखिए, एक यहाँ पे है और एक दूसरी जगह पे। तो कटिंग लगाने का आपको सही तरीका बताऊंगा और किस तरह कटिंग लगानी चाहिए, कैसी मिट्टी में, ताकि आपकी कटिंग ख़राब ना हो। आप देख सकते हो कितनी सारी कटिंग मैंने एक साथ लगाई और सब कटिंग ऑलमोस्ट लग गई है, कोई कटिंग ऐसी है जो फेल हुई, बाकी सब कटिंग मेरी लग गई है। तो सबसे पहले बात आती है कि आप कटिंग ले तो मिट्टी कैसी बनाए उसके लिए। तो ये जो मैंने मिट्टी बनाई है, ये मिट्टी आपको दिख रही है, उसमें रिवर सैंड है, लगभग 50 से 60% रिवर सैंड है, और 40% मैंने राइस हस्क, चावल की जो धान की भूसी आती है वो मिलाई है। वो आपको ये देखिए दिख रही होगी, रिवर सैंड और चावल की भूसी दोनों मिला के मैंने इसकी मिट्टी तैयार की है। और यही मिट्टी पर मैं क्या करता हूँ, कटिंग मेरी लगाता रहता हूँ। जब भी मैं कटिंग निकालनी होती है इसमें से निकाल लेता हूँ, और नई कटिंग लगानी हो तो इसी में लगा देता हूँ। वापस इसको छेड़छाड़ नहीं करता मिट्टी को, बस ऐसे ही। और इस मिट्टी में मैं लगभग महीने डेढ़ महीने में एक बार आधा चम्मच इतना साफ फंगिसाइड डाल देता हूँ। और देखिए, इसमें पानी भी मैं डालता ही रहता हूँ कटिंग में ज़्यादा ही, तो भी देखिए कितनी हेल्दी कटिंग है। चाहे सॉफ्ट हो या हार्ड हो, पर गर्मियों में आप जब कटिंग लगा रहे हो तो सॉफ्ट वाली कटिंग नहीं चलेगी, क्योंकि जो सॉफ्ट वाली ये टिप की कटिंग आती है ऊपर वाली, देखिए ये वाली ये जो है टिप है, यहाँ पे इतनी से इतनी टिप वाली कटिंग रहती है, तो वो कटिंग आपकी फेल हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसमें क्या होता है कि टिप वाली कटिंग में मॉइस्चर नहीं रहता, ये जो टिप वाली कटिंग होती है इसमें मॉइस्चर होल्ड नहीं रहता, और ये क्या जल्दी मुरझा जाता। कटिंग लगाना चाहो तो थोड़ी सी हार्ड कटिंग लो अभी टाइम गर्मियों में, बारिश में तो सॉफ्ट टिप वाली कटिंग आती है, मैंने ये लगाई है और वो भी लग गई है। तो ये देखिए, ये हार्ड ऐसी वाली कटिंग लीजिए, और मैंने बताया ऐसा सॉइल मिक्स बनाएंगे आप जिसमें रिवर सैंड और राइस हस्क, अगर आपके यहाँ राइस हस्क नहीं है तो आप कोको पीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर गार्डन सॉइल मत डालिए, ओनली रिवर सैंड और राइस हस्क, या कोको पीट या रिवर सैंड ऐसे मिक्स बना के आप लगाइए इसमें। और कटिंग लगाने के बाद आप इसको शेड वाली जगह पे रखिए, अभी तो मेरी धूप में है क्योंकि ये कटिंग लग गई है, पर आप कटिंग लगाओ अभी तो शेड वाली जगह पे रखिए जहाँ थोड़ी सी नमी बनी हुई हो। डायरेक्ट धूप में आप लगा के रख दोगे तो आपकी कटिंग फेल हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो कटिंग में मॉइस्चर नहीं रहेगा। जब तक कटिंग आपकी सेट नहीं होगी तब तक उसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए, और इसकी मिट्टी भी सूखने मत दीजिए, मॉइस्चर बना के रखिए, ज़्यादा गीला भी मत रखिए और सूखा भी मत, मिट्टी में मॉइस्चर होल्ड करने करके रखे वैसी मिट्टी आप रखिए, ताकि आपकी कटिंग फेल ना हो। जब मैं आपको कटिंग भी दिखाता हूँ निकाल के, चलिए दूसरे गमलों में जो लगाई है वो कटिंग ये देखिए, यहाँ पे इस गमले में मैं ऐसे ऐसे कटिंग लगाता रहता हूँ। देखिए ये कटिंग भी लग गई है, अभी खींच के निकालने से पता चलता है, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये रूट्स इसमें कितने से अच्छे आ गई है, अच्छी रूट्स आ गई है, और ये देखिए काफ़ी सारी कटिंग तो ऐसे ही मैंने छोड़ दी है। ये देखिए अभी एक निकाली थी तो ऐसे ही पड़ी हुई है, कटिंग ख़राब नहीं हुई, पर इसमें देखिए यहाँ से रूट निकल के वाइट वाइट आपको दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर ग्रोथ भी। ये कटिंग काफ़ी सारी मैंने लगाई भी नहीं, ऐसे ही बस मिट्टी को छुआ के रखती है। तो इस तरह से मेरे बताए हुए तरीके से आप कटिंग लगाओगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी कटिंग लग जाएगी।
तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।